तो गाइस आज हम फिर से एक डॉग शो में जाने वाले, हमारे साथ जा रही है एज ऑलवेज शैडो एंड एबी। तो गाइस हम तो अनदर, ये दूसरा हमारा व्लॉग है, पिछले हमारे इसी व्लॉग इसी डॉग शो के व्लॉग में आपने बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार दिया था। इंशाल्लाह ये व्लॉग हम चलो जितना अच्छे जाएगा। और गाइस हम लेट हो गए बहुत ज्यादा, मतलब कि डॉग शो आते ज्यादा उधर हो चुका है और हम फुल स्पीड में जा रहे हैं, तो कलमा पढ़ लिया और हमारी दुआ करना कि हम डॉग शो में पहुंच जाए और शेडो और अभी की एंट्रेंस हो जाए और वो जीत भी जाए। दुआ कीजिए कि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लेट हो गए। अभी का तो निकल चुका है पहला डॉग शो, पर ये एंटर नहीं हो पाया कि पर हम सोशलाइज हो जाएगी, अच्छी बात है, डॉग शो लाना चाहिए। आपका डॉग एंटर नहीं भी हो सकता है, यानी भी साथ सोशलाइजेशन अच्छी होती है, बट सैडली अभी नहीं जीत लगे खेल पाएगी और शेडो का भी वो जुगाड़ लगा देंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात हो जाएगी, नहीं हुआ तो फिर किस्मत है हमारी। मिले मेरे भाई, तो आप बहुत अच्छे भाई हैं हमारे, इनकी वीडियोस देखा करो, मैं सारी वीडियोस देखा आजकल हर गायब भाई में, आज भी पता है तो मेरे पेपर चले भी सब बिजी रहा बट डॉग से बहुत शुक्रिया। इतनी खुशी मुझे आज तक लोल। सो आफ्टर मीटिंग अ फैन गाइस, जिसको मिलके मुझे बहुत खुशी, और ये नहीं हुआ कि हमारा भी कोई सब्सक्राइबर है, मतलब कि जो मिलता है, तो आई कैन टेल यू कितनी खुशी हुई थी गाइस। गाइस उसके बाद आई एम गोइंग टू द रिंग, यस शेडो की थैंकफुली होगी एंट्रेंस, हम लेट हो गए थे पर जुगाड़ हमने लगा लिया। और गाइस मैं लोगों को बता नहीं सकता, जब भी मैं डॉग शो के रिंग के अंदर जाता हूँ एक नर्वसनेस होती है अंदर, मैं 6 डॉग शो में जाऊँ फिर भी उतनी नर्वसनेस होती है। और गाइस मैं नर्वसनेस में खड़ा हुआ ही था कि उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि आके मेरे से वो सवाल जवाब करने लग गए, तो बस पूछे उन्होंने किस तरह जवाब दिया। बट गाइस आई कैन टेल यू, हर बार वही सेम प्रेशर होता है, बट थैंकफुली शेडो है। ये सर कौन सा ब्रीड है? डच शेफर्ड। और ये कितने, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? Almost 2 years. Almost 2 years. ये loving है? बहुत intelligent भी? बहुत ज़्यादा intelligent है. More than वो जिससे कबल एक breed हम देख रहे थे, Labrador ही थी गालिबन, वही थी या German Shepherd? Okay. तो ये कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आए हुए लोग हैं, हम उनके भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर रहे हैं कि जो हमारे पास ब्रीड्स आ रही हैं उनके ऑनर्स भी हमें बता रहे हैं कि किस कदर इनकी सलाहियत है और इनकी खुराक का खास ख्याल रखना पड़ता है या नॉर्मल जो ले रहे हैं तमाम डॉग्स। इस ब्रीड का फायदा ही है कि ये आर्मी के लिए ब्रीड, तो ये कुछ भी खा लेते हैं। ये एक और यहाँ पर ब्रीड है, ये इन्हीं से जान लेते हैं कि ये कौन सा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक है। ये कौन सी ब्रीड है जी? रशियन है। और कितने मंथ का, कितने साल? एट मंथ। अच्छा, ग्रेट। और ये आप लोगों ने मंगवाया है यहीं से स्कूल में? मंगवाया। और ये पहली दफ़ा पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप?
the medal. Last prize. What? Again? Out of my way. Shadow, I love you. ऑलमोस्ट शेडो डॉग शो जीत चुकी है तो हम बस अब वेट कर रहे हैं कुत्तों को थोड़ा सोशलाइज करा रहे हैं कुत्तों को थोड़ा इजी कर रहे हैं अब वो कुत्तों को डॉग शो में जरूर लाना चाहिए इससे क्या होता है कि कुत्ता सोशलाइज होता है और डिफरेंट सिचुएशंस में आपको अपने कुत्ते का पता चलता है तो गाइज एक मैं आपको रिकमेंडेशन जब डॉग शो में ला रहे हैं तो अपने कुत्ते को खाना खिला के ना लाएं खाली पेट लाएं इसी का होता है कि एक तो डॉग शो की इन्वायरमेंट वो कुत्ता ख़राब नहीं करता और आपका कुत्ता ज़्यादा फिट और एक्टिव रहता है तो ये मेरी एक एडवाइस है वापस आ गए और बहुत अच्छे से व्लॉग अपलोड कर रहे हैं बट डॉग से वापस आ गए शेडो जीत गई और गाइस सॉरी व्लॉग थोड़ा सा इतना कमाल का नहीं बना होगा क्योंकि मेरा मोबाइल जिसमें आधा व्लॉग बनाता वो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था तो डेटा थोड़ा सा लूज़ हो गया एंड ये देख सकते हैं दिस इज अलेक्सा प्यारी है तो गाइस शेडो जीत गई शेडो जीत गई अगर आपको व्लॉग पसंद है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और सॉरी बहुत अच्छे बाद वीडियो चला रहे हैं बट गाइस अब से इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हम ज़्यादा वीडियोस चलाएंगे तो चलो होपफुली ये शैडो बोन एंड अगर ये व्लॉग पसंद है तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़